नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी माहौल, मौसम के हिसाब से चुनावी तापमान भी बढ़ने लगा है। पश्चिमी सिंहभूम में झामुमो और भाजपा में जुबानी जंग शुरू हो गई है। विधायक दशरथ गागराई के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने किया पलटवार, कहा झामुमो को हो गया है कोड़ा फोबिया। अब खबर विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम में झामुमो और भाजपा में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विगत दिनों चाईबासा में आयोजित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान खरसावा के विधायक दशरथ गागराई ने कहा था कि हेमंत सोरेन सरकार 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करवाना चाहती है, जिसका कोड़ा संपत्ति ने विरोध किया था। विधायक दशरथ गागराई ने इस आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने पलटवार किया। उन्होंने चक्रधरपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कभी भी 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण का विरोध नहीं किया। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने कहा कि झामुमो को कोड़ा फोबिया हो गया है। कल के सरकारी कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया गया है। कल का जो कार्यक्रम हुआ है, राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा जो परिसंपत्ति वितरण किया गया, बहुत सारी योजनाएं वहां पर शिलान्यास उद्घाटन की बात कार्यक्रम को रखा गया था। उस दरमियान ये बात सामने में आया है, जो आरोप लगाया जा रहा है कोड़ा दंपति जो उन लोग का एक फोबिया हो गया है या जेएमएम को कि यहाँ पर कोड़ा दंपति उसको सोते समय भी सपना में दंपति आता है। ये कल का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था, कल का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था मुख्यमंत्री जी का, और उसके विधायक भी उस सरकारी कार्यक्रम पर उपस्थित थे। उसके बाद में कल चुनाव की अभियान की तरह कल उस बात को राजनीतिकरण उस सरकारी कार्यक्रम को किया है, जो वास्तव में इसका मतलब है कि उसकी दो यह नहीं है, उन लोग को समझ भी नहीं है कि सरकारी कार्यक्रम क्या होता है और राजनीतिक कार्यक्रम क्या होता है। और जहां तक बात है 1932 के, कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया है 1932 का, हम लोग कभी विरोध नहीं किया है। ये लोग केवल ये लोग मर रहा है, हम लोग ये विपक्ष के ऊपर में कि ये नहीं, ये लोग विरोध कर रहा है 1932 का, चाहे ये जो ओबीसी वाले मामले जो है जो भैया 27% के, उसमें भी अभी लोग इनके साथ नहीं है। जो राज्य सरकार कर सकता है वो केंद्र भेजने का क्या जरूरत है, चाहे 32 का हो चाहे 27% का आरक्षण है, करना है तो राज्य सरकार आराम से उसके हाथ में, इसके उसका पावर है, उसका अधिकार है, कर दे। ये लोग केवल राजनीतिकरण करके दूसरों के ऊपर माथे में आरोप लगा करके ये अपना रोटी सेकना चाहता है। इस रात के बुलंदमार हेमंत सोरेन जी ने इस रात को 1932 खतियान में लेके जो विधानसभा से नियमन किए हुए थे, यहाँ के लोगों को जो बिहार के समय 27% ओबीसी वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दी जाती थी वो 27% से घटा करके 14% किया गया है, सिंहभूम जीरो है, इसको पूरा 27% है। यहाँ के ओबीसी वर्गों को लाभ देने के लिए जो नियमन किया गया था उस नियमन का विरोध यहाँ के पदाधिकारियों ने हमेशा विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को 1932 का खतियान नहीं चाहिए, बुरहान को 1964 का खतियान चाहिए। कहाँ गए पदाधिकारी आज जिन लोगों ने 185 से जो झारखंड में यहाँ के लोगों को जो थोपने का काम किया, आज उनके साथ आप होइए बात बात। इसलिए बुरहान के वास्तव को सभा करने की आवश्यकता है, हम सबों के बीच में आज लड़क है। के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ चक्रधरपुर।